बलोच नस्ल खुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक का आज 62वां दिन है और जिस तरह हमने अपने ऐलान किया था, हम अब इस तहरीक को बलूचिस्तान भर में फैलाएंगे। बलूचिस्तान के हर घर हर गांव में ये तहरीक बलूचिस्तान में जारी रियासती जबर के खिलाफ लोगों की आवाज बनेगी। बलोच यकजहती कमेटी शुरू दिन से रियासती जबर के खिलाफ बलोच अवाम के लिए वो प्लेटफॉर्म है जिसको तवाना तिर बनाना अब हर बलोच का फर्ज बन चुका है। हम इस तहरीक के 5वें फेज में बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के मरकज क्वेटा में 27 जनवरी एक बहुत बड़ा अवामी जलसा करने वाले हैं जिसमें हम बलोच पश्तून और जितने भी मजलूम अकवाम के नुमाइंदे हैं उन सबसे गुजारिश करते हैं कि वो इस तहरीक का साथ दें, जिस तरह शुरू दिन से आप इस तहरीक के साथ रहे। और इस 7 दिनों के दौरान हमने रियासत और इसकी मशीनरी और उसके तमाम नाम निहाद कानून नाफिज करने वाले अदारों को एक एक करके एक्सपोज किया हुआ है। जिस तरह हम पर बटन चार्जर किए गए, हम औरतों और बच्चों को मारा गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी करने के बजाय इस रियासत और इसके तमाम सुतूनों ने मिलकर ये कोशिश की कि किस तरह यहाँ पर बैठे हुए औरतों बच्चों और पूरी जो इसके पीछे लाखों अफराद की जो तहरीक थी उन सबको दहशतगर्द करार दिया जाए, एक ऐसी नैरेटिव बना दिया जाए जहाँ पे इस तहरीक से जुड़े हुए लोगों पर वायलेंस करने के लिए जस्टिफाई किया जाए और एक ऐसा माहौल बनाया जाए। ये वही जबर है जिस जो 75 सालों से बलोच कौम इसका सामना कर रही है और इस जबर के खिलाफ हमें उठना होगा, हमें निकलना पड़ेगा। खौफ कभी हल नहीं है, खामोशी कभी हल नहीं बना है। बालाज के खानदान ने, बालाज की वालदा ने और उनकी बहन ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी हमारे लिए कि उन्होंने हरासगी के बावजूद, थ्रेटनिंग के बावजूद अपने अपने फर्जंद की लाश को हमारे सुपुर्द किया और जिससे एक तहरीक ने जन्म लिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि रियासत और उसके अदारे मिलकर बलोच नस्ल खुशी को तेज कर रहे हैं। अगर हम अपना वजूद बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने बलोच कौमी बका और शिनाख्त की जो जद्दोजहद है उसको उसी तरह लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन हम पुरअमन तरीके से निकले हैं तो हमें इसी तरह इस तहरीक को आगे भी तवाना करना पड़ेगा। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आज हम 300 खानदानों के अमरा बलूचिस्तान की जानिब सफर कर रहे हैं। हो सकता है रास्ते में ये लोग हमें रोकें और हम पर तशद्दुद भी हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मैं फिर से बोलती हूँ कि रियासत और इसके तमाम सुतूनों की है। जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर जो हजारों की तादाद में बलोच तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी जबरी गुमशुदगी का भी खदशा है। उन पर एफ आई आर झूठे जो बनाए गए हैं उनको जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा सकता है, उनको मारा भी जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी भी रियासत और उसकी अदारों की है। मैं इस तहरीक से जुड़े हुए ग्लोबल दुनिया की जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो इस तहरीक इस पुरअमन तहरीक के खिलाफ रियासती क्रैकडाउन का नोटिस ले और इसके बाद अगर इस तहरीक से जुड़े हुए किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदार इस रियासत के तमाम अदारे होंगे। अदलिया होगी जो हमें इंसाफ फराहम नहीं कर सकती, अदलिया होगी जो इस पुरअमन तहरीक के क्रैकडाउन को खत्म करने में बिल्कुल भी किरदार अदा नहीं कर रही है, और तमाम के तमाम अदारे होंगे। शुक्रिया।